Hello viewers and welcome to my channel. I am Purnendu and in this video today I am going to explain you about class 11 chapter 1 sex. Example 4 is given that write the following sex in roster form. Roster form में आपको ये चारों जो question हैं उसको आपको roster form में लिखना है. Roster form में कैसे लिखते हैं? जिस तरह मैंने बताया था कि कोई भी number को अगर आप लिखते हैं उसमें comma देना है और उसके पहले और आखिरी में आपको कर्ली ब्रैकेट में देना है. रोस्टर फॉर्म उसी को बोलते हैं. हमें पहला बिट जो है वो a इक्वल टू x कॉलम x इज एन इंटीजर. आपको जो x की वैल्यू आप लोगे वो इंटीजर होगा और किस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है माइनस टू लेस देन x, मतलब जो x की वैल्यू लोगे उससे छोटा माइनस टू आएगा एंड जो 9 है वो बड़ा है, x की जो वैल्यू आएगा वो 9 से छोटा होगा. ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे. ये माइनस टू और नाइन को इंक्लूड नहीं करने हैं आपको. ठीक है, तो माइनस टू से बड़ा कौन है? माइनस वन बड़ा है. ठीक है, ए इक्वल टू माइनस टू से बड़ा मेरा माइनस वन है. फिर माइनस वन के बाद कौन जाएगा? जीरो. मैं इसलिए इस तरह पॉजिटिव नंबर में जाऊंगा क्योंकि आखिरी में जो नंबर आएगा वो मेरा 9 है जो कि पॉजिटिव है. तो जीरो के बाद वन आएगा, फिर वन के बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. आपको एट तक जाना है, नाइन और माइनस टू को नहीं लेना है. तो उसको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है आपको? कोमा मैंने यहाँ दिया है, बाकी आपको कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ देना है. बस ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म. उसी तरह ये बीट वन का हो गया. बीट टू, बीट टू क्या दिया है? बी इक्वल टू आपको क्या लेना है? एक्स कॉलम एक्स इज ए नेचुरल नंबर. आपको एक्स की जो वैल्यू आएगा वो नेचुरल नंबर मेरा वन से शुरू होता है. नंबर हुई स्टार्ट फ्रॉम वन इसको नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से जो छोटा है, 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है? वन है. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. 10 आपको नहीं लेना है, इंक्लूड 10 नहीं करना है. तो उसको रोस्टर फॉर्म में लेने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट देना है और कोमा में सेपरेट करना है एलिमेंट्स को. ठीक है, देन थर्ड नंबर दिया है आपको. x कॉलम x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60. आपको प्राइम नंबर लेना है लेकिन 60 के डिवाइजर लेना है, मतलब फैक्टर ऑफ 60 लेना है आपको. ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन आएगा? 2 आएगा मेरा प्राइम नंबर. ठीक है, 3 आएगा मेरा प्राइम नंबर. 2 के टेबल में 60 डिवाइड होती है, 3 के टेबल में भी 60 डिवाइड होती है एंड 5 के टेबल में 60 डिवाइड होता है. ठीक है, 4 के टेबल में 60 आता है लेकिन 15 4 60 होता है लेकिन और जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, अब तो 5 के टेबल में 60 जाता है, 12 5 60 होता है और 5 एक प्राइम नंबर है. 6 के टेबल में भी 60 जाता है, 60 लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है. मुझे यहाँ क्या लेना है? प्राइम नंबर लेना है. तो ये तीनों हो गया मेरा प्राइम नंबर. उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो कॉमा दिया है मैंने, सेपरेट किया है एलिमेंट को और कर्ली ब्रैकेट भी दिया है. ठीक है, अभी बीट फोर में क्या दिया है? डी इक्वल टू सेट्स ऑफ लेटर्स द वर्ड रायपुर. ये जो वर्ड है रायपुर में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6. लेकिन इसमें जो आर है ये दोनों मतलब रिपीट हुआ है तो आर को एक बार लेना है आपको. बी इक्वल टू आर, आर को एक बार लीजिए, फिर ए एक बार है तो उसको एक बार ही रखिए, देन आई पी हो गया एन यू इसको इतने बार, बस उसको रोस्टर फॉर्म के लिए कोमा दे दीजिए एंड उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंशन कीजिए. तो ये हो गया आपका चारों रोस्टर फॉर्म में. अभी हम एग्जांपल 5 पे जाएंगे. एग्जांपल 5 दिया है, राइट द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म, मतलब जो इक्वेशन दिया है उसकी वैल्यू निकालना है पहले आपको, देन उसकी जो वैल्यू आएगी उसको आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो मैंने इक्वेशन को पहले लिख लिया है. ये इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जो है उसके आगे कुछ नहीं, मतलब हम वन लेते हैं तो ये इसकी वन को आपको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो वन इंटू टू कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा. अभी देख रहे हैं आपको ये जो टू है आपको करना क्या है? ये टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को चेंज नहीं करना है. ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को चेंज नहीं करना है. तो उसको आप जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखिए. पहला टर्म मेरा एक्स स्क्वायर था, मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, लास्ट टर्म मेरा माइनस टू था, माइनस टू लिखा है. मुझे ये मिडिल को स्प्लिट करना है, मतलब ब्रेक डाउन करना है. ये जो टू आया अभी आपको देखना है, दो ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसको आप इंटू करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो टू आएगा, उसको अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो वन आएगा. यहाँ
x की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहां, सॉरी प्लस 2x माइनस x, देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर था, माइनस टू को माइनस टू था, 2x, 2x से मैं एक x को माइनस करूंगा तो ओनली 1x बचेगा, देन इक्वल टू 0। ये यहां 2x हो गया, अभी x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो इसमें मैं एक कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x प्लस 2। ये जो ब्रैकेट में x प्लस 2 आया यहां भी आपको वही करना है, x प्लस 2 ही करना है, अगर अलग आ जाए तो आपका ये सोल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आने के लिए मैं माइनस 1 कर लूंगा, अभी देखिए इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 टू एक्स, बीच में प्लस है प्लस, या माइनस है माइनस है, 1 इंटू एक्स एक्स है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 2 टू, इक्वल टू 0 को 0 लगा। अभी करने के जो दोनों ब्रैकेट में समान है उसको आप एक बार लिख लीजिए, और जो दो अलग अलग बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, इक्वल टू 0। एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, ये दोनों मेरा सेपरेट करना है आपको, ठीक है। तो उसको कैसे सेपरेट करना है आपको, पहले तो एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 करके निकाल दीजिए, फिर एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 करके निकाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि ये टू इस तरफ प्लस में था, उस तरफ जब ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां एक्स इक्वल टू ओनली 1, क्योंकि 1 यहां माइनस था, जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां आपको दो वैल्यू मिल गया x की, एक है माइनस टू और एक है 1, ठीक है। तो उसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना था, देन तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस टू, इसको रोस्टर फॉर्म में, कोमा देखिए आपको एलिमेंट को सेपरेट करना है एंड उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल 6 में जाएंगे, एग्जाम्पल 6 दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डअप फॉर्म, सेट बिल्डअप फॉर्म में आपको लिखना है। सेट बिल्डअप फॉर्म कैसा होता है, जैसे ये एक सेट दिया है, ये सभी चारों एक सेट दिया है, तो उसको आप इस तरफ रिप्रेजेंट करना है, जैसे यहाँ 3 बिट 1 दिया है, 3 6 9 12, ये चारों एलिमेंट दिया है सेट में, तो ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये जो नेचुरल नंबर है ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, मतलब 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, ठीक है। तो ये सभी 3 का मल्टीपल है, और ये जो 12 है ये 15 से छोटा है, मतलब x की जितने सारे वैल्यू, ये सभी को x लेते हैं, x की जितने सारे वैल्यू है ये 15 से छोटा है, तो ये मैंने लिखा है x कॉलम x इज ए नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, सभी 3 का मल्टीपल है, एंड x लेस देन 15, तो इसको क्वाड्रेटिक ब्रैकेट में आपको रखना है। देन बिट टू दिया है 1 4 9 16 25, ये सभी संख्या जो है ये किसी का स्क्वायर है, मतलब ये सभी नेचुरल नंबर है और किसी का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, उसी तरह डॉट डॉट दिए, मतलब उसके आगे संख्या भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा है एक्स कॉलम एक्स विच आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर की स्क्वायर है। देन थर्ड भी दिया है 5 25 125 625, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, जैसे 5 का एन, यहाँ 5 का एन कितना होगा, 1 है तभी 5 होगा, ये 25 मतलब 5 का एन 2 कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, इसी तरह 5 का क्यूब हो जाएगा 125, देन 5 का 4 हो जाएगा 625, तो इसी तरह ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो लास्ट एन है वो कितना है, 4 है, मेरा एन इक्वल टू 4 है लास्ट में, तो x कॉलम x इक्वल टू 5 टू द पावर n, ये सभी 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, n बिलोंग्स टू n, ये जो छोटा n है ये बड़े n से n के साथ बिलोंग, मतलब समान है, एंड n n लेस देन इक्वल टू 4, जो n है वो इक्वल टू भी है और 4 से छोटा भी है। देन बिट 4 दिया है 2 4 6 2 4 6, ये सभी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर, 4 6 सब इवन नंबर है, सो और ये नेचुरल नंबर भी है, x कॉलम x इज इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, ये सभी इवन नंबर है, उसी तरह आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।